इलस्ट्रेशन 14 लिखा गया है 999 995 991 987। हमको बताना है कि ये सीरीज जब खत्म होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका वैल्यू नेगेटिव में आने लगेगा, तो हमको वो पहला नेगेटिव का टर्म बताना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हम मान लेते हैं जो टर्म आएगा वो जीरो से कम आएगा, नेगेटिव मतलब यही होता है जीरो से कम आना। तो ए एन, अब ए एन निकालने के लिए हमको चाहिए ए जो कि पता है, डी चाहिए, डी है हम लोग का 995 माइनस 999, तो ये हो जाएगा माइनस में 4। डी पता चल गया, ए तो पता ही है, एन हमको निकालना है और ए एन है लेस देन जीरो, तो पुट करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। ए का वैल्यू है 999, एन का वैल्यू नहीं पता है और डी का वैल्यू है माइनस में 4 इज लेस देन जीरो। ये 999 को उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये है एन माइनस वन इंटू नेगेटिव 4, ये हो जाएगा 999 नेगेटिव के साथ। अब अगर हम लोग नेगेटिव वाला, ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ भी नेगेटिव है, जब अगर हम लोग ये नेगेटिव को पहले बाहर लिखते हैं, ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव 4 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये वाला जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये तो कट गया यहां से, और ये वाला जो पार्ट है वो साइन इसका जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, मतलब n जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का 999 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे, n इज लेस देन 999 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, n इज लेस देन 1003 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दुना 8, 2 बचेगा 0, 4 पचे 20, 0 रेस्ट बचा हुआ 3/4, यानी कि n का जो वैल्यू होगा वो 251, 250 से मतलब बड़ा तो 251 होगा ना, मतलब n का वैल्यू 251 अगर ले लेंगे हम लोग, तो उस टाइम इसका जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये हम लोग का n का वैल्यू निकल गया 251। तो हम लोग को पूछा गया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन की जगह हम लिख देंगे हम लोग, ये तो निकालना है हम लोग को कौन सा टर्म होगा, ए का वैल्यू है 999, एन की जगह हम लिख देंगे 251 माइनस वन और डी की जगह में माइनस वन, तो ये 999 हो जाएगा और ये हो जाएगा 250 इंटू नेगेटिव 4, ये 999 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है हम लोग का 10,000 आएगा ना, और ये हो जाएगा नेगेटिव 1, तो मतलब हम लोग का पहला जो टर्म होगा वो नेगेटिव 1 होने वाला है।